हेलो गाइस, वेलकम ऑल। कैसे हो सब एंड गाइस, मैं आज अपना कैडेट मोड लेके मेरे भाई एंड हम लोगों का पीएसएल लास्ट एपिसोड में हमारा डेब्यू हुआ था, तो उसी को आज हम लोग कंटिन्यू करने वाले हैं। और हमारा मुकाबला होने वाला है आज कराची किंग्स के साथ। और कल इंडिया पाकिस्तान मुकाबला था और इंडिया ने हरा दिया पाकिस्तान को। एक बेहतरीन मुकाबला हम लोगों को देखने को मिला। सो देखते हैं, यहाँ पे इंडियन प्लेयर गया है भाई पाकिस्तान के ग्राउंड में जाके पीएसएल खेल के, उनको ही हरा के आ सकते हैं क्या, देखते हैं। चलो वैसे चालू करते कारनामा को, चलिए शुरू करते मेरे भाई। और ये मुल्तान क्रिकेट स्टेडियम में होने वाला मुकाबला, तो पाकिस्तान टीम भी लाइसेंस है आप लोगों को पता है, तो पाकिस्तान के स्टेडियम्स भी लाइसेंस किया गया। गुड आफ्टरनून टू यू, मजा आएगा मेरे भाई। मुल्तान क्रिकेट स्टेडियम हम लोग खेलने वाले हैं और हम कहां पे हैं, हम बहुत नीचे है भाई, शोएब मलिक के भी नीचे खेल रहे हैं। और उधर में देखा जाए तो यहाँ पे मोहम्मद रिजवान है कप्तान, और नया जर्सी, आई थिंक नया जर्सी अपडेट हो गया होपफुली, क्योंकि एक पीएसएल का अपडेट आया था तो न्यू जर्सी भी आई थिंक देखने को मिलेगा यहाँ पे। आप लोग जो लोग पीएसएल फॉलो करते हो बताना, मैं तो उतना पीएसएल फॉलो नहीं करता हूँ। तो क्या कराची किंग्स का यही जर्सी था इस साल, और ये रिजवान का जो जर्सी है मुल्तान का, वो भी क्या वही जर्सी है? लेट्स गो। हम थोड़ा नीचे है, बैटिंग मिलेगा कि मतलब फिनिशर का रोल मिला है प्रॉपर। ओके, और हमें बॉल मिल चुका है क्या? हाँ बॉल मिल चुका है। चलिए शान माशूद खेल रहे हैं यहाँ पे, और नाइट भी हो चुका है, अच्छी बात है कि नाइट हो गया, देखने को अच्छा मिलेगा। ये जर्सी अच्छा लग रहा है। चलिए हाँ अभी ये रख, चलिए मोहम्मद रिजवान एक इन स्विंग ओवर से शुरुआत करते हैं। ओके बढ़िया बॉल था ये, रिजवान को बाहर लेके जाते हैं। दूसरा बॉल, लेंथ बॉल, अच्छा बॉल था, सिंगल ही मिलेगा। शान मसूद इसको बाहर लेके जाते हैं। यार उस्मान खान से तो यही बेटर था। Big edge, नहीं भाई ठीक ही है, मतलब हाँ एक्चुअली अगर देखा जाए मतलब इस प्लेयर में फिर भी काबिलियत है। जो लोग पाकिस्तान से देख रहे हो ये एपिसोड, आप लोग बताना कि पाकिस्तान का जो प्लेइंग 11 था इंडिया के खिलाफ, क्या आप लोगों को ठीक लगा? मेरे हिसाब से उस्मान खान की जगह या तो सईम आयुब को लोग खिला सकते थे, या तो फिर इसको भी ला सकता था शान माशूद को। ये थोड़ा पकड़ के खेलने वाला प्लेयर है। बुमराह ने जो बोल्ड किया ना भाई यार मोहम्मद रिजवान को, दैट्स द गेम चेंजिंग विकेट। ये अच्छा बॉल था, बहुत अच्छा बॉल था। मोहम्मद रिजवान को एक बाउंसर मारते हैं, देखते हैं क्या हम रिजवान का विकेट ले सकते हैं। Great shot. ये साला बहुत संभल के खेलता है भाई। इंडिया पाकिस्तान में भी ये अकेले दम पे मैच निकाल रहा था, सच बता रहा हूँ भाई। अगर बुमराह आउट नहीं करता ना रिजवान को, ये मैच निकाल लेता, बाहर से अंदर लाते। कैच इट, कैच इट, कैच इट भाई, कैच होना चाहिए। Taking the scoreboard over really nice. भाई मैं भी ऐसा कर रहा हूँ। भाई कहाँ आ गया खेलने भाई? कैसे था क्या ये? थोड़ा अरे भाई यार, देखो भाई गेम का ही मतलब, ये देखो कैच पकड़ रहा है। ओ भाई वो कैच पकड़ रहा है भाई, यहाँ से अंदर लाते कैच। अब तो कर ले भाई रिजवान का। क्यों खेल रहा हूँ भाई मैं? अब पीएसएल हो गया भाई, अगला एपिसोड में मुझे लग रहा है ख़त्म है पीएसएल, अब नहीं खेल रहा भाई पीएसएल भाई। क्या है भाई, भाई फील्डर दूसरी तरफ भाग रहा है भाई कैच ना पकड़ के। अबे यार मोहम्मद रिजवान का दो दो बार चांस था विकेट लेने का, साला बोल्ड ही करना पड़ेगा। अब तो कर लो भाई, चलो भाई जाओ रिजवान भाई जाओ। चलिए पीएसएल में हमने मोहम्मद रिजवान को आउट किया, म्यूजिक भी अच्छा दिया, कटर समझ नहीं पाया मोहम्मद रिजवान। चलिए कैरन पोलार्ड, ओए होए पोलार्ड आया भाई, गॉन। पोलार्ड को पहले बॉल पे क्या बॉल था इन स्विंग, हैट्रिक चांस, पोलार्ड गॉन फॉर डक। ओ भाई बहुत दिन बाद विवेक बॉलिंग हो रहा है भाई साहब। अरे टीम डेविड आया भाई, रुक जाओ थोड़ा सा, क्या बॉल था ये, डेविड को भी सेम ही करते एकदम जर में। हैट्रिक चांस,
ओ भाई हैट्रिक हो जाता तो मजा आ जाता यार। 11 ओवर 3 बॉल में 95/4। एंड भाई लोग यार इस वीडियो का लाइक गोल है 2000 लाइक एंड 300 कमेंट। चलो कमेंट थोड़ा मैं कम कर देता हूँ इस वीडियो के लिए, अगर आप लोग कर देते हो तो मैं अगले 4 दिन के अंदर एक और एपिसोड लाने वाला हूँ करियर मोड का। बट आप लोगों को गोल पूरा करना है 2000 लाइक एंड 350 कमेंट, 300 नहीं 350 कमेंट, ठीक है 300 तो मतलब ऐसे ही कर देते हो तुम लोग, 350 कमेंट एंड 2000 लाइक अगर आप लोग कर देते हो तो अगले 4 दिन के अंदर एक और एपिसोड आने वाला है। 11 ओवर 3 बॉल में 95/4 और ये अच्छा बॉल था। 13 ओवर 3 बॉल में 106/5। और क्या आप लोगों को PSL कैसा लग रहा है जरूर कमेंट करके बताना। यहाँ से एक अंदर लाते हैं। ओके सिंगल मिलेगा यहाँ पे। अब आखिरी बॉल आउटस्विंग यॉर्कर वही एरिया से पैर से ऑफ स्टंप में फिनिश होगा। ऑफ स्टंप फिनिश नहीं कर पाया, थोड़ा तेज हो गया। बहुत अच्छा ओवर यार, बहुत अच्छा स्पेल, रनआउट का चांस है, रनआउट लेट हो गया। बहुत अच्छा बॉलिंग इस साल बोल रहा हूँ, बहुत अच्छा बॉलिंग, बैटिंग भी मिल गया 46/3। कितना बनाए इन लोगों ने, बैटिंग मिल गया हमें और बिना हेलमेट के आ रहे। 3 मैच में 79 रन अच्छे मारे हमने। टीम डेविड बॉल कर रहा है, विकेट लिया है। 75 बॉल में 135 चाहिए वाइट के साथ शुरुआत। 75 में 134। अरे फ्लाइट से हमको कुछ नहीं होने वाला भाई, 2 रन मिलेगा क्या। चलिए सिंगल से हमारा खाता खोलें, विंस के साथ खेल रहा हूँ मैं। नाइस शॉट, 2 रन, मैं शायद 2 रन के लिए जाऊंगा, ये 2 रन मिल जाएगा मुझे। हाँ चलिए मीर को पहली बॉल में 2 रन मिल गया। यार मेरा पावर का कुछ करना पड़ेगा भाई यहाँ पे, क्योंकि हमारे प्लेयर का पावर बहुत ही कम है। आखिरी 2 बॉल बचा है अभी भी इसका, और उड़ा दिया मैंने, बट फील्डर है आई थिंक। ये भी 2 रन अगर मिल जाए तो हमें ले लूंगा मैं। गुड रनिंग, 2 रन ले लिया मैंने। चलिए भाई उसामा मीर फिर से आ गए यहाँ पे, 7 बॉल में 9 पे, 60 बॉल में 115 चाहिए। गुगली तच्चा भाई, डस्टी पीछे, अबे 2 नहीं मिलता ना, 1 ही मिलेगा। यहाँ एक गैप है, अगर हमको इस गैप से निकाल पाए तो ओके। एज लगा था बट क्या एज लग के चौका मिल सकता है, पहला चौका मिल गया भाई, एज लग के चौका मिल गया, सही बात है भाई। ये भाई नया बॉलर है, नाइस शॉट, 2 रन चौका भाई, ग्राउंड बहुत बड़ा वे, 3 रन ना 2 ही मिलेगा, चलो कोई बात नहीं। हट यार, स्ट्राइक द गैली, ट्रबल, सिंगल मिला लेकिन यार मैं चौके के लिए गया था ये, वहां से कट मारने के लिए। चलिए कटिंग भाई, पूरा ओवर खेल लिया भाई, पूरा ओवर खेल के लास्ट बॉल में सिंगल दिया, हम भी सिंगल ही लेंगे। 2 मिल रहा तो ले लेना चाहिए आई थिंक, क्योंकि रन अभी बहुत इंपॉर्टेंट है, ले लो भाई 2 रन। 6 ओवर में 85 चाहिए, अब गियर बदलना पड़ेगा। पहला बॉल पेस नहीं है लगा इसके पास। 35 में 85 चाहिए। और हम हो गए यहाँ पे रन आउट, शिट हो गया, रन आउट नहीं करना था भाई यार, टाइमिंग नहीं हुआ। शुरुआत अच्छा किए थे भाई यार, अब पता नहीं भाई, अब तो क्या होने वाला पता नहीं भाई। बड़ा शॉट के लिए गया था पर टाइम नहीं कर पाया, पावर नहीं है भाई हमारे प्लेयर का। एक चीज मैं नोटिस किया, 17 बॉल में 20, रन आउट ही भाई, हार गया लग रहा हमारा टीम। 20 ओवर में 143। मुल्तान मोहम्मद अब्बास, अच्छा इसने 5 विकेट ले लिया। चलिए भाई शुरू करते हैं दूसरा मैच, और ये मैच है लाहौर कलंदर के साथ मेरे भाई, और उन्हीं के स्टेडियम में होने वाला है, सो मजा आएगा, लेट्स गो। फकर जमान है उनके टीम में, चलिए देखते हैं इस बार बैटिंग मिल जाए तो अच्छा होगा। शाहीन साहब अफरीदी कप्तान, कराची किंग्स का कॉल है हेड्स, लेट्स सी। और
good decision to go first. और उन्होंने लिया बॉलिंग, तो हमारा पहले बैटिंग है, चलिए बैटिंग चलिए 10 ओवर 5 बॉल में मिला बैटिंग 87 for 3। मतलब आई थिंक ये अभी हम लोगों का डू और डाई वाला मैच होगा अगर हम लोगों को सेमी फाइनल फाइनल खेलना है। एच तारिक आखिरी बॉल इसका और पहला बॉल यहाँ पे, क्या हम चौका, दो रन मिल सकते हैं क्या? शाहीन साफरीदी सामने है तुम्हारा विवेक भाई, दो रन पहला बॉल ना एक ही मिलेगा। चलो भाई पूरा ओवर खेल लिया, क्या खेल रहा है भाई, ये क्या टीम में आ गया मैं भाई। शोएब मलिक 34 बॉल में 28 रन, बढ़िया टाइमिंग है, दो रन। अरे भाई दो रन भागना ही है, इसको रन आउट करा दूंगा भाई, ऐसे भी फालतू खेल रहा है भाई, तू आज सही जगह पे, तेरे को रन आउट कराता हूँ। 12 ओवर 1 बॉल में 91 for 3। चलिए गैप में है दो, इस बार थोड़ा अलग स्टाइल में खेलूंगा, टाइम लग रहा है भाई, एक एक बॉल खेल रहा हूँ भाई, अब मैं स्किप नहीं कर रहा भाई, ये भाई हरामी पूरा ओवर टुक टुक करके खेल रहा है, अब तो हम खेलेगा पूरा ओवर, सिंगल भी लेगा तो भाई अब देखना पड़ेगा यार, भाई क्या फालतू खेल रहा है भाई, 43 में 44। अब देखना पड़ेगा भाई, अब 6 ओवर वेस्ट कर देगा नहीं तो ये इंसान। डेविड विजी, डेविड विजी का प्ले फेस काफी बढ़िया किया, 15 ओवर में 122 for 3। दो 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 दो, भाग वे भाग, डेविड विजी काफी अच्छा बॉलर है भाई, बॉलर भी अच्छा है, बैटिंग भी करता है, नामीबिया को वही अकेला खींच रहा है ये अच्छा। ओ हो हो, आज का मैच का अभी तक का बेस्ट शॉट डेविड विजी को, ओ भाई साहब क्या मारा मैंने ये शॉट भाई, ऐसे मत दिखाओ यार, ओह मजा आया। चलिए चौका आ चुका है, फिर से वही गैप में और यहाँ पे एक और चौका, बैक टू बैक दो चौके। देखिए मालिक सर कैसे खेला जाता है, आप बस देखिए, वॉच मी सर। 11 बॉल में 17, इस बार थोड़ा T20 वाला पारी दिखाना पड़ेगा। चलिए वन मोर, सिक्स सिक्स सिक्स, चलिए तीन चौके इस ओवर में, वन मोर, चार चौके इस ओवर में, देखते रन को कहां से देखे जा सकते हैं। भाग लिए, रन भाग लिए, चलिए 13 बॉल में 25, चार बॉल बाकी है शाहीन शाह का, ऊपर से, अरे यार गैप नहीं ढूंढ पाए, एक मिलेगा दो, एक ही मिलेगा, अरे यार दो 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 दो, एक ही मिलेगा, ले 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 ले, भाई साहब ये क्या हो गया भाई, ओ भाई साहब ये देखना पड़ेगा, ये तो देखना पड़ेगा, अपने हेलमेट में लगा क्या इसका, ओ भाई ये गजबे था भाई सीन, अरे भाई इसका हेलमेट में लग के बॉल उधर चला गया, हम रन भाग लिए, लॉल। आखिरी बॉल, 3 ओवर बाकी है इसके बाद, 15 बॉल में 28, आख भाई कहां मार रहा है, वाइड बॉल नहीं, वाइड भी नहीं दिया, शिट बहुत चालाक है। अरे राशिद खान अब तो इसी टीम में खेलना है मेरे को अगले साल, स्ट्रांग टुगेदर हैव टेकन सम रिस्क्स अलोंग विद सम गुड रनिंग, चलिए आ वेरी गुड टाइटल इज ऑन द वे, आजा आजा मेरे लाल, मेरे पाल आजा। 3 ओवर बाकी है, देखते हैं हम यहां से कितना रन बना सकते, 153 तो हो चुका। राशिद मियां कैसे हो मियां, चलिए राशिद मियां कैसा लगा ये शॉट, चौका, अबे भाई दो ही मिलेगा, चौका सेव कर दिया भाई, 17 बॉल में 30, अच्छा 38 ही पारी खेला मैंने,
चार बॉल बाकी है, 17 बॉल में 30। ये अच्छा टाइम किया हूँ, गैप में है, चौका तो नहीं मिलेगा, फिर से 2 रन मिल जाएगा हमें। राशिद को थोड़ा देख के खेल लेना है। अच्छा मतलब राशिद से 17-19 कराएगा, 17 और 20। ओए भाई एक स्ट्रेट मार सकते हैं, फाइन लेग पूरा खाली है अगर हमको बॉल मिला तो। गुगली था, अरे भाई शिट, टाइम नहीं कर पाया मैंने। और राशिद खान का हम शिकार बन गए भाई, टाइम नहीं कर पाया बे। बट अच्छा इनिंग्स खेला मैंने, बहुत ही अच्छा इनिंग्स खेला। 19 बॉल में 32, वेल प्लेड यार विवेक, अच्छा खेला। चलिए 4 ओवर में 27। ये क्या हो रहा है, 183 का टारगेट दिया है, सही है भाई। अब चलिए भाई 183 का टारगेट है, अब्दुल्ला शफीक खेल रहा है, पहला बॉल बाहर से अंदर लाएंगे। यार आज बॉलिंग बहुत मस्त हो रहा है, आउट स्विंग बाहर लेके जाते हैं। खराब बॉल, बाहर नहीं देना था इसको, सेव होगा क्या? फकर जमान, और अब्दुल्ला शफीक 4 ओवर में 31 for 0। ये टीम काफी अच्छा है। बॉल एंड लेट्स गो बेबी, अब्दुल्ला शफीक तेरा डंडा उड़ा दिया बे। चलिए आज हो रहा है विवेक बॉलिंग भाई, इस मैच में विवेक बॉलिंग दिखाना पड़ेगा। गुलाम इसको भी इनसिंग यॉर्कर एकदम जर में भाई, गुड बॉलिंग साले। यॉर्कर जब हो रहा है ना एकदम सही ठिकाने पे लगाते हैं। Good ball, nice bowling. Vivek, field set कर दिया, power play over, दूसरा over मेरा गुलाम सामने है। हाथ खोलने का, अबे भाई यार ये क्या है भाई, ये भाई यार क्या बोलू, बोलो तो इनको, अभी भी ये हुए जा रहा है सीन। अरे को दिखाता है क्या सीन हो रहा है, देखो ये देखो ये देखो भाई, ये थ्रो कर रहा है, ये देखो भाई ये क्या है भाई, क्या गेम है भाई, ये क्या नल्ला भाई, एक ही जगह थ्रो किए जा रहा तब से। अच्छा भाई फिर से कर, हाँ भाई चलो शुक्र है भाई, उधर फेंक रहा, अभी तक तो ठीक ठाक ओवर ही है ये। पकड़ भाई यार इसको, आई थिंक शॉर्ट कवर। क्या चूतियाप्पा है भाई, मैं किस टीम के लिए खेल रहा हूँ भाई। मेरा तीसरा ओवर सामने है गुलाम, 9 ओवर में 99 रन चाहिए। मुश्किल है बट हमें अपना अच्छा बॉलिंग करके जाना है। मैंने 2 ओवर में 16 रन दिया, आज बॉलिंग काफी अच्छा हुआ मेरा। एक और अच्छा ओवर मेरा, बोल्ड बोल्ड, अरे भाई बच गया साला, बोल्ड होते होते लक सारा लक साथ दे दिया उसका, मुंह पे मारा था बाउंसर। आखिरी ओवर 18 ओवर में 172। ओ भाई दोनों ने अच्छा खेल दिया, ये सैम बिलिंग्स ने 32 में 12 बॉल में 11 हग दिया भाई, इन्होंने हग दिया भाई, अब हमारे ऊपर। हाँ अब हम क्या करेंगे भाई, तुम लोगों ने हग दिया, फिर भी हम कोशिश किया था भाई यार। कोशिश करें अगर कुछ डंडा फंडा उड़ा पाए, तो 6 रन चाहिए। अब हम अपना स्पेल अच्छा करके जाएंगे भाई। ओ भाई क्या अच्छा करके जाएंगे भाई, क्या है भाई क्या है भाई, क्या कर रहा है भाई, मुझे नहीं खेलना भाई पीएसएल लास्ट मैच भाई। अच्छा हुआ भाई ये सेमीफाइनल फाइनल नहीं गया भाई, और दुख होता भाई कि तुम अच्छा बॉलिंग करो और ये लोग ओवर थ्रो कर रहे भाई। ये ग्लिच पूरा चल रहा है क्या, पता नहीं भाई, मुझे तो नहीं पता, तुम लोग जो कैरियर मोड खेलते हो बताना क्या है इसका भाई, ये ग्लिच का कुछ करो यार, ये भाई ये तो बेकार है खेलना। 1 रन चाहिए जीत के लिए, बाहर रखते वाइड ही दे दूं ना इससे अच्छा, तो नहीं दिया भाई 1 रन बनाने, क्राउड फालतू चिल्ला रहा।
मैंने नहीं दिया भाई, तुम लोग दो भाई एक रन, हमें क्या है। हमने अच्छा किया भाई, हमने तो अपना रन भी बनाया, सही इनिंग्स भी करे, विकेट भी लिए। और इसी के साथ क्या पीएसएल खत्म हो जाएगा पता नहीं भाई, 250,000 परफॉर्मेंस। चलिए भाई होपफुली पीएसएल का ये लास्ट मैच है, क्योंकि 6 टीम है तो 5 मैचेस। देखते हैं टॉस टाइम, और ये है क्वेटा ग्लैडिएटर के साथ। तू तो टॉस हारेगा ही, एक टॉस नहीं जीता ये कराची ने। भाई ये दिन में हो रहा है मुकाबला लग रहा है, बट पाकिस्तान के स्टेडियम काफी अच्छे हैं, मतलब देखने में काफी अच्छे हैं। इंडिया के भी स्टेडियम जैसे अच्छे हैं, इनके भी अच्छे हैं भाई, खराब नहीं है। चलिए 10 ओवर के बाद बैटिंग मिला, चलिए भाई 139 27 के एवरेज। मिश्रा टेकिंग गार्ड हैज बीन प्लेइंग, चलिए भाई 10 ओवर दो बॉल 71 पे 3। प्रिटोरियस पहला बॉल, दो रन, आई थिंक दो रन मिल जाएगा। हाँ मैथ्यू वेट खेल रहा है मेरे साथ, प्रिटोरियस अच्छा बॉलर है। एक टाइम प्रिटोरियस आई थिंक सीएसके के लिए खेलता था, काफी अच्छा बॉलिंग किया उसने। 10 ओवर 4 बॉल में 74 for 3। साउथ अफ्रीका के लिए भी बहुत अच्छे अच्छे मैचेस उन्होंने जिताया, बहुत बढ़िया कटर बॉलर है। ओके अहमद इज हियर, ओह टाइम नहीं कर पाया, ओ राशिद वाला ही बॉल था भाई, लास्ट टाइम ऐसे आउट हो गया था मैं। अच्छा तो भाई थोड़ा संभल के खेलते। आ हा 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 हा, ये बहुत बढ़िया टाइम किया, बहुत बढ़िया शॉट, इनक्रेडिबल, मतलब सच में बहुत बढ़िया टाइमिंग यार ये शॉट है यार। विवेक 4 बॉल में 7, दैट इज अ ब्यूटीफुल फ्रंट फुट शॉट, नो पॉइंट्स इन चेजिंग। एक और ब्यूटीफुली ड्रिवन, वन मोर फोर, क्या ये हो सकता है भाई, सेव कर दिया भाई, दो ही मिलेगा। So, उठा के मारे है भाई, आगे गिर जा भाई, पहला उठा के मारे भाई, बट पावर चेक कर रहा था। पावर तो देख लिया भाई मैंने, कितना पावर है भाई। 11 ओवर 4 बॉल में 84 for 6 बॉल में 11 पे पहुंच गया मैं ग्राउंडेड ही खेलता हूँ यार, ग्राउंडेड काफी अच्छा खेल रहा हूँ। लास्ट मैच मैंने बहुत ताबड़तोड़ पारी खेल के गया, 12 ओवर में कितना हुआ 8, अच्छा आखिरी बॉल बचा है, 4, 6, 8, 10 रन आ गए इस ओवर से। नाइस, वन मोर वेरी गुड शॉट, एक ही मिलेगा। आखिरी बॉल नशीम का, आखिरी बॉल हम सिंगल ले लेते हैं, 11 बॉल में 15। ओके अच्छा टाइम किया है, सिंगल लेना था बट मुझे लग रहा डबल मिलेगा मुझे, ट्रिपल भी मिल सकता है, ट्रिपल मिलेगा तो ले लूंगा मैं। रन आउट मत कर देना, बस बच गया भाई, चलो 3 रन मिल गए। प्रिटोरियस फिर से आ गया यहाँ पे, 12 बॉल में 18, 7 ओवर बाकी है, 13 ओवर में 96 for 3। ओए यार प्रिटोरियस को साउथी का एक्शन दिया, आहा कट तो बहुत अच्छा था बे, तीनों आइडियल था, बस गैप नहीं मिला। मैथ्यू भैया मारो, कुछ करो आप भी। नो बॉल, नो बॉल, चलो फ्री हिट हम मारे। सही बात है, फ्री हिट मिल गया हमें। लास्ट मैच भी अच्छा रन किए थे, बट फायदा क्या है भाई, ये लोग हकते ही है भाई, हम अपना परफॉर्मेंस कर लेंगे भाई। चलिए फ्री हिट में चौका निकाल दिया हमने, शॉट गोज ओवर द टॉप, वेरी गुड शॉट, एकदम स्ट्रेट डाउन द ग्राउंड मारा है, पर दो रन ही मिलेगा। यही शॉट अगर विराट कोहली के साथ मारता तो भाई सेकंड टायर पे जाता ये शॉट। ये हार्डेस्ट डिफिकल्टी में अगर तुम लो प्लेयर के साथ खेल रहे हो ना, टाइमिंग एकदम आइडियल था, देख रहे हो भाई, बट बॉल कहां गिरा देखो। बहुत सही टाइम करना पड़ेगा तभी हो पाएगा।
हाँ ये अच्छा था, ये चौका मिलना चाहिए, टाइमिंग बहुत अच्छा है। हाँ चलो दो बॉल बाकी है, 20 बॉल में 30। आ क्लासिक कवर ड्राइव भाई, क्लासिक, दो रन मिलेगा, बट टाइमिंग देखना एक बार यार। ये बैट ही पन होती है भाई, इस बैट को इस मैच के बाद चेंज करते हैं भाई, अपना पुराना एसेस वाला बैट, अच्छा कुछ नया बैट लगाते हैं, अब तो इंटरनेशनल में भी पहुंच गया भाई। अरे इधर नहीं मारना था भाई, आगे गिर जा, आगे गिर जा यार, ओ गिर गया आगे, बच गया भाई। अरे भाई पॉइंट के ऊपर मारा तुम लोगों ने, देखा यार भाई क्या गेम है ये। चलो पिटोरियस का आखिरी ओवर, पॉइंट के ऊपर मारा, इधर मार रहा है, 5 ओवर बाकी है, टाइम नहीं हुआ यार। अरे हाय मैथ्यू भाई आप तो रन आउट हो गए भाई, जाओ जाओ जाओ, 43 बॉल में 43 बनाए, जाओ घर जाओ। टुक टुक कर रहा था यहाँ पे आके, सही हुआ रन आउट करा दिया तेरे को। अरे भाई नया बैट्समैन तो बल्ले पे लगा लेगा ना, पिन कटिंग ही है ना, नकली पिन कटिंग है लग रहा है भाई, बल्ले पे लगा भाई, बाकी मैं देखता हूँ। हाँ चलो भाई ये एटलीस्ट हिट तो कर रहा है, ये टाइमिंग हुआ नहीं भाई, भाई ये पेस ही नहीं देता यार, 4 ओवर था बाकी, अच्छा इनिंग्स खेल रहा था, 26 बॉल में 33, 8 पे 2। चलो इस बार अच्छा बॉलिंग किया इन्होंने, जेसन रॉय 163 रन का टारगेट है, 2 विकेट गिर चुका है। भाई पहली बॉल में जेसन रॉय का डंडा उड़ा दे तो मजा आ जाता है यार। जेसन रॉय है भाई, एक बार मौका मिल गया तो खेलेगा भाई। एक बार रिप्ले दिखाना यार उस वाले बॉल का, यॉर्कर देखो बस कहाँ था। Can he come back with a dot ball? देखते हैं, डॉट बॉल तो नहीं, विकेट ही कोशिश कर रहे हैं। ओ भाई एक और मार दिया, यॉर्कर अच्छा खेलता है, इसका मतलब एस खान 8 ओवर में 72 चाहिए, दूसरा ओवर मेरा। अरे उसके ऊपर से मारना था उसको, इसको थोड़ा पीछे कर देंगे, समझ गया मैं। That's got a flight number attached to it. That ball has gone a long, long way. भाई साहब इनके बल्लेबाज में इतना पावर आ कैसे रहा है भाई? 6 ओवर में 57 चाहिए। ये ओवर में अगर अच्छा कर दिया तो कमबैक हो सकता है। इफ्तिकार अहमद आया भाई। क्या कर रहा है? क्या बोलू? तुम लोग बोलो भाई। Taking the scoreboard over really nicely at the moment. पता नहीं भाई क्या ये ग्लिच कब जाएगा भाई, ये ऐसा होगा तो खेल ही नहीं सकते ना फिर। Smacks that away through the gap. बहुत ही घटिया फील्डिंग, बहुत ही भाई। अगली बार ना पीएसएल आने से पहले अगर करियर मोड कभी मैं दूसरे इसमें खेल रहा हूँ तो भाई इस टीम के साथ मुझे नहीं खेलना भाई, यही लास्ट है भाई। ये कराची किंग्स, किंग तो नहीं है भाई तुम। खत्म है क्या मैच? आखिरी ओवर, 3 रन चाहिए हमको, क्यों बॉल में दियो भाई? 3 रन जब चाहिए हम भी कर देना वाइड फिर। चलिए नाइस भाई, एक मैच नहीं जीते पीएसएल के, ये क्या कतई गंदी टीम है भाई। ये एक टॉस नहीं जीत पाता, एक भाई मैच नहीं जीत पाता। ओवरऑल हमारा पीएसएल का मतलब बैटिंग हर मैच में मैंने ठीक, हम ही भाई भरोसा इस टीम का, हम ही आके रन बनाते हर मैच में। चलो भाई इसी के साथ मुझे लग रहा है पीएसएल खत्म है भाई, देख लेते एक बार, अभी भी मैच है। अभी भी मैच दिखा रहा है भाई, और हमें पीएसएल नहीं खेलना है भाई, हम खुश हो चुके हैं भाई पीएसएल के साथ। भाई सब स्किप करो,
चलिए भाई, हमारा हो चुका है यहाँ पे सीजन कंप्लीट भाई, और दो तीन मैचेस थे हमने उसको सब स्किप कर दिया भाई, क्योंकि मुझे नहीं खेलना था, और पीएसएल भाई हमने देख लिया। और हमारा परफॉर्मेंस ओवरऑल आपको कैसा लगा, पीएसएल का एक्सपीरियंस आप लोग कमेंट में शेयर करना। और यहाँ पे हो चुका है हमारा टीम 6 नंबर पे फिनिश किया, और हमारा आई थिंक एक सिलेक्शन हुआ था इंग्लैंड का T20 स्लैम का, तो वो हम लोग अगले दिन खेलने वाले हैं। ये सब हमको अभी नहीं खेलना है, एक बार देख लेते हैं अगले दिन क्या होने वाला है। ये सब भाई सिमुलेट मारो। तो भाई यहाँ पे विकेट मिल रहा है हमको क्लब का ना, अगली बार हमको, हाँ मिल गया भाई, यही आने वाला है इंग्लैंड T20 स्लैम राउंड 2 अगला मैच। यस, चलिए भाई अगले दिन होने वाला है इंग्लैंड T20 स्लैम डेब्यू मेरे भाई। इस एपिसोड में हमारा हो चुका है पीएसएल खत्म। सो पीएसएल आप लोगों को कैसा लगा ओवरऑल जरूर बताना कमेंट करके। वीडियो को अगर अभी तक आपने लाइक नहीं किया लाइक कर देना, चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर देना। जितना जल्दी आप लोग लाइक एंड कमेंट गोल कर दोगे उतना जल्दी अगला कैरियर मोड का एपिसोड आने वाला है मेरे भाई। सो मिलते हैं अगला एपिसोड में, तब तक के लिए बाय बाय, सी यू सून।